हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, कौन? भाईजान, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हम्म, मैं आपका जो अपना जो ग्रुप है एक्शन द रिएक्शन, मैं उससे बात कर रहा हूँ। क्या नाम है एक्चुअली मेरे को आपका? जानना, मेरा मोहम्मद शमीम, हम्म, मोहम्मद शमीम शमीम भाई, हाँ बताइए। जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि शब कदर की रात आज है, तो मेरे घर में कुछ इस तरह से मतलब कि ये रात जाग कर तिलावत कर कर गुजारते हैं। तो मैंने एक जो वीडियो डाली थी जिसमें फैज थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि कोई एक रात होती है जो लैलतुल कद्र होती है, तो उन 4 या 5 उन्होंने बताया था। तो मेरे को उसी मसले पे आपसे कुछ पूछना था कि ये बात सच देखिए, है या हम जैसे आज की रात हो सकती है लैलतुल कद्र, या 24 की या 23 की या 27 की। भाई जी बहन, कुछ ऐसा था, मैं देखिए, कैसे पहली ट्रेन में चीज पढ़ा। तो जो आपने कहा ना कि आज रात है शबे कदर की, ठीक है, तो आज जी। शबे कदर की तो रात भाई वो नहीं है, इसको आमतौर पे बोलते हैं भाई वो शबे बारात, ठीक शबे बारात। है। और ये सन 2020 में 9 अप्रैल को, यानी कि आज के दिन, इसको जो हमारे मतलब जो बरेली भाई हैं वो लोग नहीं, इसको मैं मतलब भाई बरेली हूँ, मैं मनाते बरेली हैं तबके शबे से हूँ बारात। मैं। जी, हाँ, तो ये शबे बारात की भाई ये रात ही नहीं है। अगर कोई इसको मतलब भाई कम इल्मी में अगर मानता है कि ये शबे बारात है, और शबे बारात की रात को वो सोचता है कि नहीं आज ही है शबे कद्र, तो ये उसकी मेरे भाई बहुत बड़ी बेवकूफी है, ठीक है। हाँ, जी। क्योंकि देखिए कुरान जो है ना, कुरान वो जो हाँ जी, नाजिल मतलब जो हुआ है, तो अल्लाह हाँ ताला जी, ने कुरान में एक मतलब कहा है कि जो ये कुरान है ये जो नाजिल हुआ है रमजान में नाजिल हुआ है, ठीक है, लैलतुल कद्र में, सूरह दुखान की आयत नंबर 3 में और सूरह कद्र की आयत नंबर 1 में, ठीक है। अल्लाह ने जब ओपन बता दिया जो ये कुरान है ये नाजिल रमजान हुआ है कौन से महीने में, वो महीना है रमजान का, और कौन का सी रात महीना। में, वो है शबे कद्र की, शबे यानी कदर कि की रात। आखिरी जो अशरा होता है उसके जो मतलब वो 21वीं, जी जी 23वीं, 25वीं, 21, 27वीं, 29वीं जो 27, रात 29, होती है, 28, ताक 29। रातें, उनको बोलते हैं, जी ठीक है। तो जी शबे कद्र तो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह आमतौर पे सभी लोग जानते हैं कि भाई ये रमजान में आती है, लेकिन ये महीना शाबान का है। अब शाबाश। शाबान जी। में लोग जो अपना त्योहार मतलब भाई वो उनके पीछे एक कारण है कि हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं जो हमारे मतलब जो इंतकाल फरमा गए हैं, दुनिया से जा चुके हैं हमारे बाप दादा, ठीक है, बुजुर्गाने जी दीन, हम उनको याद करते हैं, जी उनकी कब्रों पे जाते हैं, तो उस दिन कब्रों पे एकदम भीड़ भाड़ एकदम रहती है। लेकिन इस साल भाई सन 2020 में तो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, तो ये जी उलमा ने मतलब ये कहा है कि अपने अपने घरों में इबादत अपने अपने करें। घरों में। जी जी तो 15 शाबान की मेरे भाई दीन इस्लाम में कोई हकीकत भाई नहीं है, ठीक है। नहीं है। जी हाँ, जी तो तो ये हकीकत है, नहीं, यहाँ पे बाकी मनाते हैं। मैं एक्चुअली मैं यूपी साइड से हूँ प्रॉपर, तो यहाँ अरे पे हर क्या जगह करते हैं मनाते कि हैं भाई, इंडिया पाकिस्तान में जो ये सब जी है, देखिए जहां जहां मेरे भाई विदेशी लोग हैं वहां पे अपनी अपनी विदेशों को पकड़े हुए, ठीक है। बचपन जी में हम भी, हमको भी याद है जब हम छोटे थे तो मतलब जो ये शाबान का महीना होता है उसको हम लोग बोलते थे, वो आमतौर पे इसको बोलते थे शुभरात, ठीक है। तो हाँ, शुक्रात शुभरात का बोलते हैं हलवा हम। बनता था, तो हम लोग जी, जाते थे, बनता गांव था। जाते थे, दादा की मेरे भाई कब्र थी वहां जाते थे, दादी की कब्र पे जाते जी थे, जी और जी जी अगरबत्ती मोमबत्ती बकायदा रोशनी करके, ठीक है, दुआ मांगते जी थे। तो ये सब बचपने में जैसा बड़ों को करते हुए देखा वैसे हम लोग भी वैसे करते जी, थे, लेकिन जब बाद मैं भी में करता भाई था। हम लोग को पता चला कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो भाई वो जी गलत है। जी तो अभी मेरा मेरा मसला सिर्फ ये है, तो ऐसी कोई रात नहीं है जैसे शाबान के महीने में, जैसे कि तिलावत तो हमेशा माशाल्लाह करनी चाहिए कोई रात हो तो, शाबान और के ये महीने कोई। की सिर्फ इतनी फजीलत आती है हदीस में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, रमजान के अलावा
जो शाबान का महीना है उसमें कसरत से रोजों को रखते थे और बीच में छोड़ देते थे ताकि लोग जान जाएं कि रमजान और मतलब ये शाबान इनमें बीच में एक मतलब भाई वो आ जाए, फर्क आ जाए, यानी कि अल्लाह के नबी कंटिन्यू रखते थे शाबान के रोजे और बीच में छोड़ देते थे ताकि लोग कंफ्यूज भाई मतलब इसके बारे में ना हो जाए ये कौन से रोजे हैं, ये मतलब शाबान के रोजे हैं, नफिल रोजे हैं, या मतलब भाई वो रमजान के हैं, फर्ज रोजे। तो कसरत से रोजे अगर किसी को इबादत करना है तो शाबान के महीने में भाई वो कसरत से रोजे रखे, लेकिन 15 शाबान का खास रोजा रखे और ये सोच के मैं रखे कि नहीं भाई वो शबे बारात है, आमाल पेश होंगे, आज पत्ते हैं, अगर वो मेरे भाई झड़ जाएंगे तो हमारा पत्ता कट जाएगा, तो ये सब कुछ नहीं है। तो मैं इसी मसले पर आपसे बात तकदीर के करना जो चाह रहा फैसले हूँ, होते हैं वो होते हैं शबे कद्र में और वो होता है शबे रमजान कदर में। में, रमजान में। जी, शुक्रिया। बस मैं यही पूछना था, और मेरे फैमिली में होता है क्या है कि वो रोजे रखते हैं, जैसे आज शबे कदर बोलते हैं वो, तो अगले दिन का रोजा रखते हैं, तो मैं भी रखता आता था, तो वही पूछना चाह रहा था आपसे, बस अभी क्लियर हो गया है। देखिए इसके ऊपर शुक्रिया भाई बहुत हमने पिछले साल मतलब हमने बहुत बहस की थी, ठीक है, आज भी आप मेरे भाई इतना डाल देंगे यूट्यूब के ऊपर शबे बारात, उसका भाई। आगे मतलब भाई जो हमारा नाम है उसको उतार अच्छा, देंगे अफ्फू खान, तो बड़े बड़े जी आलिमों से बहस की इस टॉपिक के ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी बोलती बंद हो चुकी है। इस साल तो मैंने ये शबे बारात के ऊपर कोई से बहस ही नहीं की, क्योंकि भाई इस वक्त का माहौल ऐसा है कि बहस करने का अंदर से मन नहीं हो रहा है, बात जो हक बात है बता देते हैं भाई, मानना हो तो मानो, नहीं मानना है तो जो मर्जी है करो। तो वैसा तो कुछ नहीं है ना, रोजे तो रख सकते हैं ना, ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब कि जैसे अगर तो हम कोई रोजा रोजे रखे तो हम बिल्कुल कुछ रखिए, अगर आप मेरे भाई रख रहे हैं रोजे तो आप रखिए, लेकिन 15 शाबान का जी खास रोजा इस नियत से कि मतलब आज तो वो है सुबरात का रोजा रखना चाहिए, इसका फला इतने जी सालों की इबादत का सवाब है, तो ये सब नहीं। रोजे ये सब कंटिन्यू अगर भाई कोई भाई वो रख रहा है और उसमें बीच में भाई 15 शाबान भी आ गया तो भाई वो रख सकता है, ठीक है। अय्यामे ये तो 20 के जो ठीक रोजे होते हैं मतलब जो चांद की तारीख होती है 14, 15, 13, 14, 15, तो अगर कोई मेरे भाई हर महीने अय्यामे 20 के रोजे रखता है 13, 14, 15 को, तो वो शाबान के भी 13, 14, 15 को भाई अगर वो रख रहा है कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये कि देखिए अकीदा ना खराब होना चाहिए, ईमान वाले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसका मेरे भाई उसकी जो आस्था है अकीदा है, अकीदा मेरे भाई अगर डम्बल डोल अगर हो गया तो मामला खराब, आखिरत में हमारे लिए भाई क्या है, नुकसान है, खसारा है। तो ऐसा कुछ नहीं अभी करना है हमें जिससे हमारी आखिरत खराब हो, इस अकीदे से अगर हम रोजा रखेंगे कि नहीं आज तो वो है 15वीं शाबान है, अल्लाह के नबी भाई वो गए थे कब्रिस्तान गए थे, ठीक है, और अम्मी जी आयशा ने पीछे से भाई वो देख लिया था, तो बताओ इतना बड़ा एहसान है कि को अम्मी आयशा ने देख लिया, वरना ये रात ही हमको ना पता चलती कितनी मुकद्दस। तो आज हम मतलब भाई 15 शाबान का रोजा रखेंगे और अफ्तार के बाद बढ़िया हलवा बिरयानी खाएंगे, उसके बाद जाएंगे कब्रिस्तान जाएंगे और अपने बाप दादाओं की मेरे भाई कब्रों पे अगरबत्ती मोमबत्ती जला के फातिया देंगे और ये करेंगे, दुरूद वो तो भेजेंगे, नियाज बिदत है, लगाएंगे, तो सब गलत है। वो बिदत हो गया। वो तो रोजा अच्छा, रखने के लिए कोई हमारे मना यहाँ नहीं कर रहा है, आप रोजा रखो मेरे भाई, रोजे के लिए कौन मना करेगा, कुरान पढ़ने के लिए कौन मना करेगा, और हलवा खाने के लिए भी आपको कौन मना करेगा, कोई नहीं मना करेगा। आपको हलवा खाना है आप अपनी अम्मी अब्बू बीवी बहन जिससे भी जो भी घर में हो आप उससे बनवाओ, आराम से खाओ, हलक तक भर के खाओ, कोई मुश्किल नहीं है, जितना खा सकते हो तो उतना खा लो भाई, जितना तुम्हें शौक हो खा लो, लेकिन बस उसके लिए एक त्योहार ईजाद कर दिया। आज भी वो लोग गलत मेरे भाई जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो ये जानते हैं भाई आज इनकी वो है, ठीक है, वो शब्बे बारात है इनकी, तो शबे आज इनके बारात। हलवे का त्योहार है और हम लोग इसको बोलते हैं मुर्दों की ईद है। एक्चुअल जो मेरे भाई शबे कदर है उसमें कोई वो रंज रमजान जगा की। नहीं हो रहा है, लेकिन जो आज की रात है 15वीं शाबान की, ठीक है, शबे बारात, उसमें मेरे भाई पिछले साल तक पूरे मस्जिदों को रोशन किया जाता था, चाय का इंतजाम होता था, लोग मस्जिद में मेरे भाई कयाम के बहाने इबादत के बहाने कोई बाइकों की रेस लगा रहा है तो कोई मेरे भाई नातों का अपना वो स्टार्ट कर देता था, तो कोई कव्वालू का, तो हर चीज मेरे भाई देखिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इस साल
सब राइट टाइम हो गए हैं। और हाँ अल्लाह कोई इतना नहीं। हमसे नाराज है कि उसने कोरोना वायरस को भेज के हमको अपनी मेरे भाई जो मस्जिद है उसमें भी जाने से रोक दिया। सुन लीजिए कि भाई अल्लाह मतलब हमसे कितना नाराज। तो भाई अभी भी मतलब गौर व ये फिक्र ना करो और अभी भी अल्लाह तो से माफी ना मांगे, अभी भी तौबा ना करे, अभी भी अपने आप को ना सुधारे, तो सोचिए मेरे भाई आने वाले जो कल है उसमें हमारा क्या होगा। और अल्लाह जी से ईमान कैसा है, मतलब जो ईमान नहीं होना चाहिए वाला ईमान है, जैसे एक नॉर्मल इंसान का ईमान होना चाहिए कि नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही मेरे भाई जो परेशानी उसको भेजा है और अल्लाह ही इसको दूर करेगा, ये ईमान होना चाहिए। लेकिन एक मेरे भाई जो हद होती है उसको पार कर देना, अब लॉकडाउन चल रहा है, लोग मेरे भाई मुस्लिम जहाँ पे आबादी है वहां की बात बता रहा हूँ, वहां पे लोग जी सुबह सुबह भाई वो इकट्ठा हो गए चार पांच लोग भाई, वो कैरम खेल रहे हैं, तो भाई कोई वो लूडो खेल रहा है, तो कोई मेरे भाई ताश की जी गड्डी खेल रहा है। और उनको जब जी समझाओ भैया ये सब भाई काय के लिए कर रहे हो, जो नमाज पढ़ो भाई, वो लॉकडाउन चल रहा है तो इकट्ठा क्यों हो। अरे कुछ नहीं, अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह से बढ़ के कुछ नहीं है। इसको कहते हैं हद पार करना कि एक तो तुम जुआ जी खेलो, कैरम खेलो, लूडो खेलो, टाइम पास करो, खाली वक्त और अच्छी सेहत, ये मेरे में बहुत अच्छी चीज है। अगर हमें अल्लाह ने अच्छी सेहत दी है और खाली वक्त हमको दिया है, फ्री टाइम दिया है, तो ये बहुत बड़ी भाई हमारे लिए क्या है, नेमत है, हमें इसका जी इस्तेमाल करना है। जी भाई पता नहीं जिंदगी में कभी हम लोग को मतलब भाई 21 दिन हमें खाली वक्त भाई हमको हो सकता है कभी ना मिले, हमारी मौत तक ना मिले, तो 21 दिन का टाइम बिल्कुल हमको मिला, 21 दिन में आदमी मेरे भाई जो कुरान है उसको तो पढ़ सकता है तर्जुमे से। लेकिन आदमी मेरे भाई जुगाड़ में नहीं लगा हुआ है। खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो जो भी आपके फैमिली वाले हैं आप उनको मेरे भाई समझाइए, जी मान जाते हैं जी तो ठीक है, वरना भाई छोड़ दीजिए, अल्लाह ताला ने दरोगा आपको नहीं बना के भेजा है। ठीक है, जी तो हाँ अगर आप भाई अपनी फैमिली में ठीक अकेले हैं, बड़े हैं, फैमिली के मतलब एक तरीके के वो हैं, लीडर हैं, मुखिया हैं, आपके अंडर में सब आते हैं और आपकी बातों को सब लोग मानते हैं, डरते हैं आपसे, तो बिल्कुल मेरे भाई, तो बिदत के खिलाफ आपको आवाज अपनी मेरे भाई बुलंद करनी है कि नहीं, कोई शबे बारात रात नहीं, जैसे नमाज पढ़ते हो डेली वैसे 5 टाइम की नमाज पढ़ो, रात को मेरे भाई तहज्जुद में इबादत करो, बस सही, फालतू बस कोई नहीं। ठीक 1,000 मतलब भाई वो नफिल पढ़े, फला इतना भाई वो जिक्र करे, या ली नमाज वाली नमाज कुछ नहीं, जी 100 रकाते ठीक नमाज की मेरे भाई हदीसें आ गई है। ठीक है, उसका जी नाम है गालबन, वो अभी आज मेरी बात हो रही थी एक से फेसबुक पे, तो वो बोल रहा था कि जो शख्स आज की रात में 100 रकाते नमाज अगर वो ऐसे जी पढ़ ले कि हर रात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास को 11 बार पढ़े और अल्लाह ताला से कोई भी चीज को मांगे तो अल्लाह ताला उसको दे देगा, ये तो गलत है। जी और इसका नाम रखा है वो सलातुल अल्फिया, सलातुल यानी कि अल्फिया अल्फिया की नमाज। अभी अल्फिया सलातुल अल्फिया ये कौन सी हदीस में आया है मालूम नहीं, और उसका हवाला भी उतरा हुआ था अल मौजुआत लिल इब्ने जौजी, उसका जिल्द 2 पेज नंबर 50 और 51। अच्छा और ये मेरे भाई जो लोगों ने बताई है कि हाँ बस 100 रकाते पढ़ो आज के दिन और ये करो वो करो, ये हदीस तो पक्की मौजू है, झूठी है, मनगढ़ंत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इबना वो जो इमाम है इब्ने इब्ने अलजौजी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा है कि जो ये हदीस है ये बिल्कुल मेरे भाई घटिया दर्जे की अशद मतलब भाई वो झूठी हदीस है मौजू। जी तो जो करना है जो बिल्कुल सही हदीस से साबित है वो मेरे भाई कोई नहीं करता, बिल्कुल अल्लाह के नबी ने ठीक फरमाया हुआ। ठीक है, और ये जो हदीस आती है भाई आती है बुखारी शरीफ में, चैप्टर का नाम है किताबुत तहज्जुद और हदीस का नंबर है 1145। उसमें आता है कि अल्लाह सुबहान व तआला हर रात आसमानी दुनिया पे आता है और एक आवाज दी जाती है कि कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं देने वाला हूँ, कोई है दुआ करने वाला, मैं उसकी दुआ को कबूल करने वाला।
तो उस समय कोई नहीं मांगता, क्योंकि उस समय तो लोग टांगे फैला के सोए रहते हैं, क्योंकि शाम रात के भर टाइम ना। जागेंगे देर तक, फेसबुक और व्हाट्सएप इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद टांगे फैला के सो जाएंगे, तहज्जुद गोल, और मेरे भाई अल्लाह माफ करे जो फजर है, जो फर्ज है वो भी गोल, और जोहर बाद उठते हैं तो फटाफट मेरे भाई 2 रकात पढ़ लेते हैं कजा और 4 रकात जोहर की, उसके बाद अपना कैरम खेल लें, लूडो खेल लें, और बैठ के पंचायत कर रहे हैं। अरे कोरोना वायरस कुछ नहीं है भाई, ये साजिश है, ये चाइना की साजिश बातें है, तो ये फला की साजिश बोलते है, हैं। हमें कुछ नहीं होगा, हमें तो बस अल्लाह बचाएगा, तो इतना भी मेरे भाई फर्जी नहीं पंचायती करनी चाहिए। सारी दुनिया परेशान है और हम लोग इसको हल्के में लेते हैं कि नहीं कोरोना वायरस कुछ नहीं, बस हलवे का जुगाड़ होना चाहिए, बाकी मेरे भाई दुनिया जाए भाड़ में। तो हलवा खाने से कोई दिक्कत नहीं, हम खुद हलवा खाते हैं भाई, लेकिन अब आज के दिन खास करके हलवा नहीं खाएंगे। एक जिद है सही ना भाई, हम टाइम है, परंपरा लेकिन में हम नहीं शामिल होना चाहते हैं, अंधों की भीड़ में हम नहीं इसमें शामिल होना चाहते हैं, हमें हलवे से नहीं परहेज है, और ना हलवा को हम कह रहे हैं कि वो हलाल है या हराम है, नहीं, हलवा एक खाने की चीज है, आप जब चाहे खा सकते हैं, आज के दिन बस हम नहीं खाएंगे, हम कल खा लेंगे, एक दिन पहले खा लेंगे, आज के दिन नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें बिदत का रद्द करना है। अगर हम भी मेरे भाई आज के दिन हलवा खा लेंगे तो हम किसको किसको बताएंगे कि नहीं बिना फातिये के हलवा खा रहे, नहीं इससे मेरे भाई ये शब्बे बारात का कोई लेना देना नहीं। अभी हम मेरे भाई शराब के जो मतलब जो ठेका होता है, बार होता है, वहां पे जाके अगर हम भाई हम दूध पियेंगे तो हम किसको किसको बताएंगे, नहीं भैया हम शराब खाने में दूध पी रहे थे। तो बिल्कुल ऐसी बिल्कुल चीज, इससे बिल्कुल अच्छा ये शराब खाने जाओ मत, जब बिल्कुल जाओगे नहीं तो बिल्कुल लोग तुमसे मेरे भाई कुछ पूछेंगे नहीं कि तुम दूध पी रहे थे या पानी पी रहे थे या भाई वो वोडका बियर शराब पी रहे थे। तो बिल्कुल यही वाला मैटर है। बिल्कुल। अच्छा भाई, मेरी एक बात और थी। मैं पहले वो मतलब कि ये था कि देवबंदी, मेरे घर में देवबंदी है, तो मैं पहले नमाज ऐसे पढ़ता था, जैसे वो उनको पढ़ता देखता था मैं, कोई रफूल देन नहीं करना, मतलब कि ऐसी। तो मैंने अभी शुरू किया है, बहुत काफी टाइम हो गया शुरू किए हुए। तो घर में मेरे हाफिज भी हैं, चाचा हैं, वो नमाज पढ़ाते हैं माशाल्लाह मजे से। तो मैंने उनसे पूछा इस बात को, तो उन्होंने बोला नहीं, मन ग्रंथ है, और हमारे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में नाफ मतलब कि नाफ में नियत बांधी, और वो कोई रफूल देन नहीं करते थे। वो तो ये बोलते थे कि बार बार घोड़े की तरह पूंछ नहीं आना, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे उन्होंने मुझे बताया था। अब मैं उनको कैसे समझाऊं? भाई उनसे ये कह दीजिए कि नाफ के नीचे हाथ बांधने की एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है, और आप जिस मसलक के मानने वाले हैं, हनफी मतलब, उसके जो इमाम हैं उनका नाम है अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने खुद फरमा दिया था कि सही हदीस मेरा मजहब है, और जब सही हदीस को आ जाए तो मेरी बात को छोड़ देना। तो अब सही हदीस आ गई है नाफ के ऊपर हाथ बांधने की, तो आप लोग कृपया नाफ के ऊपर हाथ बांधें और अपने इमाम साहब की बात को माने, और नहीं मानना है तो भाई नाफ के नीचे बांधते रहिए, जयीफ हदीस पे अमल करते रहिए। अब भाई दो सेब है, एक अच्छा सेब है एकदम ताजा, और एक सेब है जो मेरे भाई सड़ा गला, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं। अभी इंसान की मर्जी है ना वो क्या खाता है, अब हमारी मर्जी है भैया जो एकदम अच्छा सेब है, सही सेब है, हम वाला सेब खाएंगे। अब किसी को कीड़े पड़े हुए मेरे भाई सेब खाना है तो वो खाता रहे, बताना हमारा काम है कि ये सेब भैया अच्छी क्वालिटी के हैं, इनको खाएंगे तो आपकी जो सेहत अच्छी बनेगी, और ये सब मेरे भाई पुराने हैं और सब इसमें कीड़े पड़ गए हैं, बस सस्ते हैं थोड़ा, खाना है तो खा लीजिए। अब अगर वो सस्ते के मारे खा रहा है तो भाई खाए। बिल्कुल। तो वही है, तो मैंने उनको समझाया, लेकिन वो माने नहीं मेरी बात को, कभी अरे भाई जाहिर जब वो किया अल्लाह के कुछ नबी की भी। हदीस नहीं मान रहे हैं तो आपकी बात कहाँ से मानेंगे। अल्लाह के अच्छा नबी एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर दुनिया में आके कौन कह दें कि अपने इमामों का दामन छोड़ो और मेरी इत्तबा करो, तो वो अल्लाह के नबी की बात भी नहीं मानेंगे, ये मैं पक्का दावे से कह रहा हूँ, लिख के दे दूंगा स्टैम्प पेपर पर, भाई, नहीं देखिए मानेंगे हम लोग वो, क्योंकि अल्लाह इस के बारे नबी में के मतलब ताल्लुक से बहुत ही अल्लाह ताला ने एक्सपीरियंस कुरान में कितनी जगह कहा है भाई कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो,
वमा आताकुम रसूलू, नबी जो तुमको दें उसको ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ, कितनी हदीसों में कहा है, लेकिन नहीं मानना ही नहीं है। एक मैं बड़ा एक की वेटिंग आ रही होल्ड कीजिए। हेलो, सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी कौन भाई? जी, अप्पू भाई बोल रहे हैं। हाँ बताइए। मेरे कुछ सवाल था, कुछ साथी हम तो सवाल कर रहा हूँ, उससे बात कर सकते हैं? जी हाँ बात कराइए। जी जी ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা বলছেন, তিনি আপনার কলটি হোল্ডে রেখেছেন। जी देखती हूँ। हेलो। हेलो हाँ हेलो, हाँ बोलिए ना। हेलो दानिश। हाँ भाई, हाँ लीजिए बात कर दानिश। हाँ हेलो। हाँ भाई, कौन बोल रहा भाई? हेलो दानिश, बात करवाओ, कॉन्फ्रेंस में है। अरे कौन बोल रहा है भाई? हेलो, हाँ भाई कौन बोल रहा है? सरवर बोल रहे हैं। सरवर, अरे सर्वर? दानिश जो रहता है ना। हाँ सरवर बोल रहे हैं, बोलिए क्या बात है। हाँ हाँ, एक भाई ने कहा कि आप कुछ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं बताइए। वही दलील के साथ। हेलो, हाँ बोलिए ना। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ के मामले में थोड़ा तो बात करना था। हाँ कीजिए ना, क्या बात करना है? ये पूछ रहा था क्या कि बिजनेस अगर आप कभी बात क्यों नहीं करता है, इबादत क्यों नहीं करता है और शादियाँ वगैरह क्यों नहीं करता है, पूरी तरह से लोग शादी पे इसका थोड़ा समझाइए। इसको थोड़ा अच्छा दलील बोल रहा है ये। भाई, अगर कोई भी इंसान अगर शबे बारात 15 शाबान के दिन अल्लाह के नबी से ये साबित कर दे कि ये कोई त्योहार है, कोई फेस्टिवल है और इसको मनाना चाहिए, तो इंशाल्लाह हम अभी लॉकडाउन में भी इसको धूमधाम से मनाएंगे। भाई जिसका दावा होता है, जिसकी अमल होती है, दलील तो उसको देना रहता है ना। जो लोग मना रहे हैं उनको दलील देना है, वो जो आज के तारीख में अमल कर रहे हैं उनको साबित करना है, ना कि हमको साबित करना है। अच्छा पूछे ना, देखे तो बोला पाकिस्तान में ही नहीं। हाँ और एक मसला और है। बताइए बताना क्या बताइए ना। मौलाना साहब एक बात बताइए, इसको इतना सब कुछ सिखाए हैं कि गैर कौम के घर पे जाके खा सके, गैर कौम का कुछ भी फेस्टिवल हो उसमें जाके खा सके, बट बाय द वे अगर मतलब हम लोग का जो फिरका होता है, जो मुस्लिम है, हम लोग जो फातह करते हैं, तो उसको इतना मतलब ये चीज है कि वो जो करेगा फातह उसको मारना, पर अदर भाई हम ना नॉन जाके मुस्लिम के खाना। त्योहार में कुछ खाते हैं, ना बरेलियों के त्योहार में कुछ खाते हैं, ठीक है? नहीं क्यों नहीं खा सकते हैं कि अरे ऐसा क्यों क्या नहीं कहता खाते? है वो क्योंकि अल्लाह के नबी लोग। ने मना फरमाया है ना कि ऐसा खाना जिससे अल्लाह के अलावा किसी और की निस्बत हो। अब आप लोग जो मेरे और भाई की फातिया निस्बत आतिया मतलब देते हैं, और की इसमें निस्बत, निस्बत मेरे अच्छा भाई और जो की इंतकाल निस्बत कर जाता है उसकी रहती है ना। अलग से कहाँ से आ गई बोलिए। निस्बत हाँ की और की कहाँ से आ गई, अलग कितने कुरान आयत जब करके जैसे खुदूर का सलाम करके जब शादी हुई तो भाई अलग अल्लाह कहाँ के से नबी ने बताया। फरमाया, अल्लाह के नबी की हदीस है, वान अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बहा बि कौमिन फहुवा मिनहुम। अबू दाऊद, उसका हदीस का नंबर 4031। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने किसी दूसरे कौम की धार्मिक देखा देखी इख्तियार की, मुशाबियत इख्तियार की, तो वो उन्हीं में से हो जाएगा। तो जैसे नॉन मुस्लिम लोग होते हैं, उनके वहाँ कोई मर जाता है तो वो उसके नाम की भाई वो कथा करते हैं, पंडितों को बुलवाते हैं, उनको खाना खिलवाते हैं। वही देखा देखी जो अमल है, वो जो हमारे बिदती बरेलवी लोग हैं वो लोग करते हैं,
उनके वहाँ कोई इंतकाल हो जाता है तो फातिया करते हैं और मौलानाओं को खाना खिलाते हैं, तो वही सेम अमल है। उमर रजी अल्लाह ताला अनु को आप जानते होंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। तो उमर रजी अल्लाह ताला अनु का जब इंतकाल हो गया तो उनके जो बेटे थे अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अनु, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आओ सहाबा एक साथ जमा हो जाओ और आप और मेरे जो वालिद हैं उमर उनका इंतकाल हो गया है, चलो सब लोग कुरान पढ़ो, चलो सब लोग फातिया दो, कभी ऐसा नहीं किया। फातिया देना तो साबिती नहीं है, यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो हनफी मसलक के इमाम है उन्होंने कभी जिंदगी में फातिया नहीं दी। तो जबरदस्ती फातिया आप लोग अपने मेरे भाई अपनी अकल से ला दोगे और पूछोगे हमसे कि भैया क्यों नहीं खाते हो फातिया का खाना, अरे हम नहीं खाते फातिया खाना, हमें बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना दोगे तो खा लेंगे और पूरी फातिया दे के खाना दोगे तो नहीं खाएंगे। अल्लाह के नबी खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, तो ता कयामत तक खाने खाने से पहले बिस्मिल्लाह ही पढ़ना है, कोई फातिया नहीं देना है, कोई उसके ऊपर भाई वो नियाज नहीं लगाना है। मतलब पता नहीं है तो हम कुछ भूल रहे तो याद नहीं है। मेरे हम अभी ये बात की आप बोले हैं कि मतलब उम्र साइज के बोले थे हम जब इंतकाल कर गए तो हमारे मम्मी के पास कुरान खानी नहीं था, कोई कुरान शरीफ की तिलावत नहीं था। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे माँ बाप इंतकाल कर जाए जो हमको दुनिया में छोड़ के गए हैं तो उसके लिए मतलब इंसानों का कुछ नहीं करना है, वो मर गए मर गए उनका मामला खत्म, चैप्टर क्लोज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबे सुनोगे मेरे सुनोगे क्या जिन जाग गया तुम्हारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब इंसान मर जाता है, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, परेशान ना हो जिन ना जागे तुम्हारा, बीपी ना बढ़े, पूरी हदीस सुन लो, बीपी ना बढ़ाओ अपना मेरे भाई, बीपी हाई हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा, मेरी बात तो सुन लो, सुन तो लो, इतना परेशान क्यों? अल्लाह के नबी के तुम आशिक हो ना, तो जिसके आशिक हो उसकी हदीस तो सुन लो। ओ आशिक भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन इन तीन चीजों के तीन चीजों का सवाब वो मैयत को पहुंचता है। पहला है सदकाए जारिया, दूसरा है नाफे इल्म, और तीसरा है नेक औलाद जो उनके मरने के बाद उसके लिए दुआए मगफरत करे। इन तीन चीजों के अलावा फातिया का, नियाज का, हलवे का कोई सवाब मैयत को नहीं पहुंचता। चैप्टर खत्म। वो तो यही तो मैं बता रहा हूँ, सुन ले मेरी बातों का, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर कोई इंतकाल कर जाए तो उसके नाम से हम इसालो सवाब अगर कर रहे हैं किसी गरीब, इसाले सवाब क्या होता है, मतलब यही हुआ, इसाले सवाब क्या होता है, इसाले सवाब क्या होता है, उसके नाम से कुरान कुरान खानी करवाना उसके नाम से, तो ये इसाले सवाब मेरे भाई आपके कौन से नबी ने बताया? अरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये नहीं कहा कि मैयत मर जाए तो उसके नाम की नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुरान पढ़ो, ये सब नहीं बताया मेरे नबी ने। आप जानते बूझ से अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 109, जो जानते बूझते मेरे ऊपर झूठ को मंसूब करता है उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। तो आपने तो ठिकाना अपना जहन्नम बना लिया। नहीं नहीं नहीं, चलिए यही तो आपका मतलब, इंसान अपनी कब्रों को क्यों मतलब अपने नेक साले औलाद को छोड़ के जाते हैं जो भी अपने, अरे नेक औलाद के लिए तो अल्लाह के नबी ने कहा है ना कि अगर कोई इंसान है उसकी नेक औलाद जो मरने के बाद कोई नेकी करती है उसका सवाब उसके माँ बाप को मिलता है, लेकिन फातिया देने का, शबे बारात मनाने का, कुंडे मनाने का, तीजा चालीसवा छठी चिल्ला बरसी मनाने का, इनका कोई सवाब नहीं पहुंचता है, ये कोई साले सवाब नहीं है, सब झूठ है। भाई बोलने के लिए दलील होनी चाहिए ना। अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत 111 में, कुल हातु बुरानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो सबूत पेश करो, दलील दो। करते हैं,
आप मुझे एक दलील दे दीजिए किसी मैयत के नाम की फातिया करने की। अल्लाह की भाई मैं कसम खा के कहता हूँ आज फातिया दूंगा अपने दादा के नाम की, आज फातिया दूंगा अपने नाना के नाम की, आज फातिया दूंगा अपनी मेरे भाई नानी के नाम की। आप एक दलील दे दो खाली बस। इमाम साहब आपको किसने बोला कि इमाम मैयत का फातिया करता है कोई, किसने बोला? यही सब गलत फहमी में। अरे मैयत को सवाब पहुंचाने के लिए नहीं पढ़ते, अभी तुमने खुद ही कहा कि मैयत को सवाब पहुंचाने के लिए फातिया पढ़ते हैं। फातिया पढ़ने का फातिया नहीं बोले हम, कुरान की तिलावत कुरान की तिलावत फातिया। अबे तो फातिया में क्या पढ़ते हो? कुरान ही पढ़ते हो ना, सूरह अल फातिया 11 बार चारों कुल अव्वल आखिर भाई वो दुरूद शरीफ। कुरान की तिलावत है, यानी कि आपने एक चीज मान ली कि जो मेरे भाई इकट्ठा होके कुरान खानी होती है, जो खाला आती है और सब लोग आते हैं इकट्ठा होके एक एक पारा पढ़ते हैं मैयत के नाम, उसका सवाब तो मैयत को नहीं पहुंचता, ये चीज आपने मान ली। अब आते हैं फातिया के ऊपर। यार अभी आप खुद ही कह रहे हो कि कुरान का नहीं पहुंचता, फातिया का पहुंचता है। आप कह रहे हो फातिया का नहीं पहुंचता, कुरान का पहुंचता है। तुम खुद ही कंफ्यूज हो तो हम क्या करें? कंफ्यूज हम कुछ नहीं कर, दानिश बैठा हुआ है, हमने यही बोला कि फातिया का कुछ नहीं, फातिया का मैटर अलग है, वो तो आप लोग। अच्छा फातिया का मैटर क्या है? चलिए आज उस मैटर को आप खोल दीजिए जरा। नहीं आप खोल दीजिए जरा, हमको भी देखना है ये हर बरेली में क्या अलग ही मैटर रहता है। आपके आला हजरत ने कहा कि फातिया खानी का सबब ये होता है कि मैयत के नाम से फातिया करके जो खाना है वो गरीब के पेट में पहुंच जाए, ताकि फातिया खानी का सवाब इसाल हो जाए रूहों के नाम। तो कुल मिला के मुर्दों के नाम की फातिया हो रही है। आला हजरत भी आपके कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि नहीं मैयत से कोई लेना देना नहीं है, फातिया का कोई दूसरा मैटर है। तो कौन सा दूसरा मैटर है? गलत समझते हैं आला हजरत ने, आपने गलत बताया इसका मतलब, क्योंकि मैं जो समझाऊं वो आला हजरत ने समझाया है, मैंने अपनी अक्ल से थोड़ी ना समझाया। कुरान की तिलावत होती है वो नेकी काम, कुरान की तिलावत करना नेकी, वो नेकी उसके तक पहुँचती है जिसके औलाद भाई औलाद के मरहूम के लिए करवाते हैं। भैया कुरान पढ़ के मैयत को नेकी पहुंचाना ये सहाबा के जमाने में क्यों नहीं हुआ? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल पे उनके बेटे ने सहाबा को जमा करके कुरान पढ़ के नेकियां क्यों नहीं पहुंचाई? हदीस पढ़िए। कौन सी हदीस पढ़े भाई? आप हवाला दे दीजिए, अभी मैं खुद पढ़ दे रहा हूँ आपके सामने। आपके उलमा भी होते तो भी जवाब ना दे पाते, क्योंकि आपके उलमा नहीं आवाम को झूठ बोल रहा है, और वो खुद कहते हैं कि फातिया देना वो हदीस से साबित ही नहीं है, ये तो एक अमल है, मुस्तहब अमल है, और आप कह रहे हैं कि हदीस आपको दे देंगे। जब आपके उल्मा के पास कोई हदीस होगी तो देंगे ना, या मेरे पे घर में बना देंगे हदीस? अरे हदीस है ही नहीं मेरे भाई फातिया देने की। चलो ठीक है, अगर फातिया देने की हदीस इस दुनिया में मौजूद होती तो सबसे पहले अहले हदीस उस हदीस पे अमल करके फातिया देते, ठीक है? चलिए ठीक है भाई, अपनी इसलाह कीजिए। और इस वक्त मेरे भाई कोरोना वायरस भाई वो एकदम फैला हुआ है, लॉकडाउन में अपने बाकी लकायद से तौबा कीजिए, जो शिर्क है बिदात है करना छोड़ दीजिए, अल्लाह से माफी मांगिए, वरना अल्लाह के आजाब में सब बर्बाद हो जाएगा। अरे शिर्क की तारीफ होती है अल्लाह सुबहान तआला की जात में, सिफात में, इबादात में किसी को भी शरीक करना, ये शिर्क है। हाँ तो शिर्क वो शिर्क कैसे आपने बोल दिया, कैसे ये वर्ड यूज कर सकते आप लोग? क्यों यूज नहीं कर सकते भाई? बरेलवी तो पक्का मुशरिक है, ये जो शक करे तो उसका तो मेरे भाई इलाज करवाना चाहिए डॉक्टर से। अभी मेरे भाई लोगों ने गरीब नवाज से मदद मांगी है बकायदा अजमेर दरगाह में बैठ के कि ए गरीब नवाज कोरोना वायरस को खत्म कर दीजिए, हमें शिफा दीजिए, माजल्ला अल्लाह को छोड़ के बाबा से मदद मांगी जा रही है, तो ये शिर्क नहीं तो चाहिए तौहीद है? हम आपकी गलतफहमी दूर किए दे रहे हैं। आप अपने बरेली से लेके जो बगदाद है वहाँ तक के पीर बाबाओं को इकट्ठा कर लीजिए और उनसे कह दीजिए कि एक मक्खी पैदा कर दें,
कोरोना वायरस तो मेरे पे खत्म करना दूर की बात है, एक मक्खी पैदा कर दे, ये तो अल्लाह ताला का चैलेंज है कुरान में कि वो लोग जिन जिन को अल्लाह के सिवा पुकारते हैं उनसे कह दो कि सबको जमा करके वो एक मक्खी पैदा करके दिखा दे। इंसान किसी चीज को समझना ना सके तो कभी समझ नहीं पाएगा, ये तय है। नहीं, इंसान नहीं, बरेलवी अगर किसी चीज को मेरे भाई समझना चाहे तो वो कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बरेलवी इंसान का है, वो तो इंसानी रूप में एक जानवर है और आम तौर पे उस जानवर का नाम है कुत्ता। आला हजरत का शेर है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता कहा, तो कुत्ते की मिसाल दी। इंसानी कुत्ते जो होते हैं उनके बाद समझ में नहीं आएगी, जो पूरा इंसान होता है उसके बाद समझ में आएगी। हाँ, आप लोग की हैसियत नहीं, आप लोग खाली मेरे भाई जो कम इल्म होते हैं उनको उनको परेशान करते हैं फोन करके, ठीक है। जो आप लोग की जो मेरे भाई जो पोल है वो खोल देता है, उससे बात करते नहीं आप लोग। अभी भी हम बोल रहे हैं जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे वो टॉपिक पे बात की हो रही थी। आपको शबे बारात पे बात करना है, चलिए ठीक है। शबे बारात आपके नजदीक मेरे भाई अगर वो दीन की एक अहम रात है तो शबे बारात का जो बाब है वो किसी हदीस भाई कोई तो हदीस की मेरे भाई किताब में होगा, बताइए। आपको बाद में समझा देंगे, इतना टाइम नहीं, तो अभी छोड़िए कुछ कर रहे हैं भाई। बाद में तो क्या, अगले साल सन 2021 में भी इंशाअल्लाह अगर हम जिंदा रहे तो भी आप नहीं समझा पाएंगे। वो समझा पाइएगा जरूर पर समझ नहीं पाइए भाई। समझेंगे तो तब ना, जब समझने वाली बात होगी। अब कोई अपने बाप दादाओं का दीन थोप देगा तो क्या हम आसमानी दीन को छोड़ के बाप दादा के दीन को मान लेंगे? चलिए अच्छा, थोड़ा सा टाइम मिलने दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ इंशाल्लाह, आप समझाइएगा थोड़ा, दो मिनट एक लाइन खाली सुन लीजिए। अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है आप कैसे लोगों के लिए, सूरह अल माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 102 103 और 104 में, कि वो लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो वही अमल करेंगे जिन पे हमने अपने बाप दादाओं को पाया है। तो वही हाल आपका भी है, आप खाली वही चीज को मेरे भाई अच्छा मानेंगे, सही मानेंगे जो आपने अपने बाप दादाओं को करते हुए देखा है, जबकि अल्लाह ताला ने कह दिया बाप दादा का दीन नहीं चलेगा, आसमानी दीन चलेगा। अगर आपका सोच यही है तो अपना सोच अपने पास रखिए, बराए करम माज अल्लाह। कुरान की आयत इनको बता रहे हैं तो ये मेरी सोच है, बिल्कुल जो कुरान की आयत है वही मेरी सोच है। जैसा कुरान हमें सोचना मेरे भाई सिखाता है वैसे हम सोचते हैं, अपनी अकल से नहीं सोचते हैं। वही सिखाए हैं तो वही सिखाए हैं कि गैर कौम के घर में जाके खा लेना किसी का गैर कौम। आप मेरे भाई दिखा दीजिए कि हमने कब ये कहा कि गैर कौम की जो मेरे भाई मैयत की पार्टी हो जाके चले जाओ तेरे ही खाया हो। ये बता दीजिए ना कि वो गैर कौम में कैसे खा चुका। अरे मेरे मेरा बचपन का दोस्त है, उसके मामा मेरे भाई एक्सपायर हो गए थे, वो ठाकुर है, उसके मामा की मेरे भाई पार्टी हुई थी तेरे ही की और उसमें 13 पंडित आए थे, ब्राह्मण आए थे, उनको खाना खिलाया गया। मैं खाली वहाँ पे गया था कि एक दोस्त है उसकी हैसियत से गया था, उसने मुझसे पूछा कि भाई तुम भी खा लो, मैंने साफ उसको इनकार कर दिया कि नहीं भाई तुम्हारे मामा एक्सपायर हो गए, इस मेरे भाई जो मतलब भाई जो तकलीफ है उसमें मैं शामिल हो जाऊंगा लेकिन जो धार्मिक जो खाना पीना है वो मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं साफ मना कर देता हूँ। जबरदस्ती झूठा इल्जाम लगाते हो कि हम लोग फला का खाना खा रहे हैं, ढमा का खाना खा रहे हैं, और मान भी लीजिए अगर कोई खा रहा है, मान भी लीजिए कोई किसी मंदिर का भगवान का अगर मेरे में चढ़ावा खा भी रहा है तो क्या उसके गलत अमल को देख के क्या आप अपने अमल को साबित कर दोगे क्या, ये बताइए। वो तो आप ही मेरे में भी साबित नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं, मतलब आप लोग इंतजार करते हैं कि किसी के मेरे भाई गलत तरीके को देख के क्या उसको सीढ़ी आप लोग बना लेते हो अपने अमल साबित करने के लिए? इसका मतलब आप भी मानते हो दिल के कोने में कि आपका अमल भी है वो मेरे भाई गलत है, इसीलिए तो गलत अमल से मेरे भाई अपना गलत अमल साबित कर रहे हो। कौन बोला आपको? कौन बोला नहीं, तुमको वीडियो भी भेजे दे रहे, देख लो कितने लोग अल्लाह को छोड़ के पीर बाबाओं से मांग रहे हैं, या गौसे आजम अगर तू नहीं माफ करेगा तो कौन माफ करेगा, ये सब बोला जा रहा है, या गरीब नवाज अगर तू नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा, मेरे को शिफा दे दे माज अल्लाह। गरीब वालों से जाना अल्लाह के करीब थे, अल्लाह से जो बहुत करीब थे, इबादत परहेजगार थे, अल्लाह के करीब, अल्लाह के करीब के अल्लाह के नबी से ज्यादा कोई है?
हाँ तो अल्लाह के नबी पूछे तो जब अल्लाह के नबी से मदद हम नहीं मांग सकते, दुआएं नहीं मांग सकते, फरियाद भाई हम नहीं मांग सकते, तो फिर पीर बाबा की क्या हैसियत है? उनके जरिए से मांगते हैं, उनके जरिए से मांगते हैं। जरिए से नहीं मांग रहे हैं, डायरेक्ट उनसे मांग रहे हैं। या गरीब नवाज, कोरोना वायरस से हमें शिफा अता फरमा, या गरीब नवाज हमको औलाद अता कर दे, या गौसे आजम तू नहीं माफ करेगा तो कौन माफ करेगा? ये सब डायरेक्ट मांगा जा रहा है बाबाओं से। हाँ, मीठा मीठा हपप कड़वा कड़वा थूथू वाला हाल है आपके वहाँ, कि अपना जो भी गलती होगी वो सब चाट लोगे, लेकिन दूसरों की गलती होगी तो उसके ऊपर थूक दोगे। हम बोले तो आप क्या बोले, अपने ऊपर से थोप रहे, आप बोले तो आप नहीं थोप रहे अपने ऊपर से। हम तो गलत को गलत कहते हैं, चाहे मेरा सगा बाप क्यों ना हो, अगर मेरा बाप भी गलती कर रहा है तो मैं उसको भी गलत कह दूंगा। अच्छा, ये किसने मना किया कि कब्र पर भी ना जाओ, कब्रिस्तान भी ना जाओ? कब्रिस्तान जाओ, लेकिन शबे बारात वाले दिन, मुर्दों की जो ईद है, उस दिन कब्रिस्तान को रोशन करने के लिए मत जाओ। इस दिन क्यों ना जाए, क्यों ये दिन खराब है, या हुजूर पाक ने फरमाया कि? क्योंकि अल्लाह के नबी ने मेरे भाई सहाबा से नहीं कहा कि तुम लोग 15वीं शाबान की रात को मैयत की जो कब्रें बनी वहाँ पे चले जाना, रोशनी करना, अगरबत्ती जलाना, फातिहा पढ़ना? भाई हम तो नबी के मेरे भाई सच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करने वाले हैं, हम झूठे आशिक नहीं है। हम अपने अल्लाह के नबी से अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान में फरमाया, नबी जो तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाए। तो नबी ने जो हमको दिया है वो क्या दिया है, कि तुम कब्रों पे जाया करो ताकि तुम्हें आखिरत याद आए। तो हमारे पास जब टाइम होता है हम मेरे भाई जाते हैं कब्र पे, और वहाँ पे सोचते हैं, गौरव फिक्र करते हैं कि हमें भी एक दिन कब्र में आना है ताकि हमें आखिरत याद आए। नहीं, इस आले सवाब के कब्र के लिए जाने के लिए किस मेरे भाई जाहिल ने आपसे कहा, ये बताइए? अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि इसलिए जाओ कि तुमको आखिरत याद आए, तुम्हारा ईमान ताजा हो, और तुम कह रहे हो इस आले सवाब के लिए जाए। 15वीं सब को अल्लाह के नबी ने खुद 15वीं सब को कब्र में गए थे और अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ की। तो उनके पास तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे रात को और आपसे कहा था कि आप जाइए जन्नतुल बकी में, वहाँ के कब्र वालों के लिए दुआ कीजिए। और ये जो बात है ये माय आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पीछा करके देखती हैं, यानी कि ये मामला चोरी छुपे वाला है। अगर ये आम सबके लिए होता तो अल्लाह के नबी सबको बता देते कि हाँ देखो, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे मेरे पास और उन्होंने जो कहा है, तो तुम लोग भी अगले साल से 15वीं शाबान को कब्रिस्तान जाना, रोशनी करना। रोशनी किताब में वो इंसान खुद का कोई होता है, कोई खुद से अपनी तरफ से रोशनी करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, ऐसा कुछ हम भी अमल नहीं रखते। बुजुर्ग कर रहे हैं कुछ जाहिलियत है, ऐसा नहीं कि जाहिलियत नहीं करते, जाहिलियत भी करते हैं। बस ये लोग आप उसके पॉइंट को लेके एग्जॉर्ब करना, मैं जो सही बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं कब्र पे जाता हूँ, इंशाल्लाह दुआ करता हूँ, दुआ मगफिरत करता हूँ सबके लिए। अबे तो घर पे बैठ के करो ना मेरे भाई, डेली करो ना, मतलब के दादा की याद क्या खाली मेरे भाई साल में एक दिन आती है, नाना की याद खाली साल में एक दिन आती है, 15वीं शाबान को बस, पूरे साल भूल जाते हो, साल में एक दिन याद करते हो? जब हमको मदीना शरीफ की ज़ियारत करनी होगी तो घर के भाई, बड़ी बड़ी बातें मत करो मेरे भाई, ठीक है? दलील दो, ये सब मेरे भाई जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। जुमलेबाजी मेरे भाई अपने पास रखो, इल्मी बात अगर करना होगा तो फोन करना, वरना जुमलेबाजी करना है तो किसी अंगूठा चूसने वाले बच्चे से बात करो। आपने बोली कि दुआ करना है तो कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं, तो मदीना शरीफ की ज़ियारत करनी होगी। कब्रिस्तान के बारे में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है ना कि मैंने तुम्हें पहले कब्रों पे जाने से रोका था, मगर अब तुम जाया करो ताकि तुम्हें आखिरत याद आए। वो आम हदीस है, जब भी इंसान को जाना हो तो वो कब्रिस्तान जाए, और जो कब्र जो कच्ची कब्र हो वहाँ पे जाए, ना कि दरगाह मजार आस्ताना जाए, और ना ही 15वीं शाबान को शबे बारात के नाम से कब्रिस्तान में पहुँच जाए और वहाँ पे मेरे भाई फातिहा देना चालू कर दे। मतलब आपके कहने का मतलब यही है कि जो मर गए चैप्टर क्लोज है? अगर कोई मर गया है तो आप उसके लिए इतना कर सकते हैं, उसके लिए अस्तगफार पढ़ सकते हैं, वो भी आम कभी भी, उसके लिए 15वीं शाबान कोई खास नहीं है। और अगर आपके वालिदैन हैं
और आप उनकी एकदम सगी औलाद हो, तो आप अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकते हो, उनके लिए दुआएं मकबूल कर सकते हो। आप जो भी नेकी करोगे उसका सवाब आपके माँ बाप को जाएगा, क्योंकि माँ बाप की जो कमाई है वो औलाद है, तो इंसान को उसकी कमाई का पूरा फायदा मिलता है, वैसे माँ बाप को उसकी औलाद का पूरा फायदा मिलेगा। अबे ये तो हदीस में है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि नेक औलाद जो तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे लिए दुआ करे, जो तीन चीजें अल्लाह के नबी ने बताई हैं इसाले सवाब, वो तीन चीजें कौन कौन सी, फिर से सुन लो। एक है सदकाए जारिया, यानी कि आपका ऐसा सदका जो आपके मरने के बावजूद जारी रहे। आपने कोई स्कूल बनवा दिया, या आपने कोई हॉस्पिटल आपने बनवा दिया, कोई पानी का इंतजाम करवा दिया, बोरिंग करवा दी, तो ये सदकाए जारिया है। आपके जाने के बाद भी जो इंसान उससे फायदा उठाएंगे तो इसका सवाब आपको मिलेगा। दूसरा है वो है नाफे इल्म, यानी कि ऐसा इल्म जो आप छोड़ के जाए जिससे लोग आपके जाने के बाद आपके इल्म से फायदा उठाएं, इंसानियत को फायदा हो आपके इल्म से। और तीसरा है नेक औलाद जो आपकी मौत के बाद आपके लिए दुआए मकफरत करे। तो ये तीन चीजों के अलावा अल्लाह के नबी ने शबे बारात को रात भर जागना और हलवे पे फातिया देना और कब्रिस्तान जाना, ये सब कहाँ बताया भाई? यार बताया हो तो हमें करने में क्या दिक्कत है? अरे इतना मैं आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये तो एक्सेप्ट करिए। आपने अभी ये बताई दुआएं मगफिरत अपने माँ बाप के लिए की जा सकती है, तो इसका कौन इनकार कर रहा है? इसका जो इनकार करे वो तो माशाल्लाह हदीस का इनकार कर रहा है। ये तो बताइए दुआएं मगफिरत किसको कहते हैं, कैसे की जाएगी? वो दुआएं मगफिरत कैसे की जाती है वो भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपके माँ बाप का इंतकाल हो जाए, तो आप मेरे भाई पांचों वक्त की जब नमाज पढ़ेंगे तो उसके बाद अपने माँ बाप के लिए भी दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह सुबहान व तआला जो हमारे माँ बाप हैं वालिदैन हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनको जन्नत में अल्लाह ताला मतलब जो भी उनका मतलब भाई वो दर्जा है मकाम उसको अच्छा कर दे, बुलंद कर दे, और हमारे माँ बाप को कब्र के अजाब से बचा। ये दुआ मकफरत है। अस्तगफार अगर आता है तो आप अपने माँ बाप के लिए अस्तगफार पढ़ दीजिए, ये सब कर सकते हैं। लेकिन माँ बाप के नाम से फातिया खानी कर देना उसका सवाब तो छोड़ो मेरे भाई, आपको गुना पड़ेगा। आप तो सुनिए मेरी बात, तो सुनिए, नमाज पढ़ना इबादत है, नमाज में दुआ मगफिरत कर रहे हैं नमाज के बाद दुआ में, कुरान पढ़ना इबादत है या गुनाह है भाई? कुरान पढ़ना देखिए जो नमाज है कुरान है वो ऐसी बदनी इबादत है जो मैयत को मरने से पहले अपनी जिंदगी में करनी थी। आज अगर आप जिंदा हो तो आपको अपने जीते जी मेरे भाई नमाज पढ़ना है, जीते जी कुरान पढ़ना है। आपके आपके मरने के बाद कोई दूसरा आपके नाम की नमाज नहीं पढ़ेगा, दूसरा आपके लिए भाई वो नहीं पढ़ेगा कुरान। कुरान भाई अच्छा चलिए आपसे पूछ रहा हूँ, जो कुरान है वो जिंदों के लिए आया है या? अगर कुरान को, अरे बताइए ना, कुरान मेरे भाई जिंदों के लिए आया है? अच्छा एक मिनट, कुरान जिंदों के लिए है तो ऐसा क्यों कहा गया कि जिसका मौत वक्त करीब आ जाए, जब हालात वक्त करीब आ जाती है तो उसके सामने कुरान पढ़ो? नारे तकबीर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, बातिल ने हक को मेरे भाई कबूल कर लिया। खुद ही तुमने मान लिया कि जब मौत का वक्त करीब आ जाए और जब उसकी रूह कब्ज होने लगे तो आप लोग सूरह यासीन पढ़िए उसके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह उसको कलमा पढ़वाने की कोशिश कीजिए, यानी कि वो तब तक जिंदा है। ये नहीं कहा कि मरने के बाद तुम लोग उसके नाम का कुरान पढ़ना शुरू कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह भाई आज आपने इतनी देर बाद जो हक बात है आपने खुद ही मान ली। चलिए भाई आपका मुंह काला हो चुका है, ठीक है अब जाइए साबुन से उसको धो लीजिए, आज अपने जाल में आप अटक गए भाई। आपका मुंह काला हो गया, आपने खुद ही कह दिया कि अगर इंसान को मौत आने वाली है मरते वक्त, यानी कि किसी की इतनी तबीयत खराब है कि उसको देख के लग रहा है कंडीशन बिल्कुल खराब हो गई है, तो उसको आखिरी वक्त में उसके उसके पास बैठ के कुरान पढ़ा जाए। ये दुनिया में जो दुनिया है ये बनाए 4 दिन का दुनिया, इसमें आपको टेंशन होगा कि मेरा मुंह काला ना हो, पर हमको मुंह काला अशरफ में नहीं करवाना है, मुझका भाई आपका तो देखिए जिसका
भाई जो मुंह है वो दुनिया में काला हो गया तो आखिरत में तो काला वो नहीं होना है। चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ, नमाज पढ़ के बात करता हूँ। चलिए चलिए नमाज पढ़िएगा तो उसके बाद फातिया मत दीजिएगा। चलिए इंशाअल्लाह फातिया जरूर देंगे। ये देखिए मतलब इमाम के पीछे सूरह फातिया पढ़ते नहीं है लेकिन नमाज के बाद फातिया जरूर देंगे खाना सामने रख के। वाह वाह, मतलब जहाँ जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस से, चैप्टर का नाम है अल अजान और हदीस का नंबर है 756। अल्लाह के नबी फरमाते हैं और उस शख्स की नमाजी नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। तो ये हनफी लोग क्या करते हैं, इमाम के पीछे सूरह फातिहा कभी नहीं पढ़ेंगे लेकिन नमाज के बाद फातिहा जरूर देंगे। यहाँ तक कि जनाजे की नमाज में भी फातिहा नहीं पढ़ते हैं लेकिन मैयत के नाम से खाना ठूसने के लिए वो फातिहा पक्का पढ़ेंगे। ये सब खाने पीने के बहाने हैं भाई, ये कोई और को बताना ठीक है। अरे मैयत को सवाब किसको पहुँचाना है, सब खाने पीने की जुगाड़ में, क्योंकि जानते हैं फातिहा देंगे तो बढ़िया खाना ठूसने को मिल जाएगा। अरे भाई खाना खाना है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आराम से अच्छा खाना खा लो, क्या दिक्कत है। अरे मेरे चलो ठीक है, ओके भाई, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वाला मनित तबल होता। हेलो हेलो, हाँ भाई कौन? आपने होल्ड किया हुआ था तो मैं बातें सुन रहा था उनकी। अरे भाई आपको होल्ड किया था, माफी चाहता हूँ भाई। अरे आपको फोन काट देना चाहिए था भाई। नहीं नहीं मैं सुन रहा था, मेरे को अच्छा लग रहा था, मेरे को मतलब कि मेरे को भी काफी मतलब नॉलेज बढ़ रही थी तो मैं सुन रहा था उनकी। भाई देख रहे हैं आप कैसे कैसे मेरे भाई जाहिल हैं। जब उनसे कहा भाई अपना जो दावा है अमल है उसके ऊपर कोई हदीस बता दो, आयत पढ़ दो ताकि हम भी अमल करना स्टार्ट कर दें, तो भैया बड़ी बड़ी बातें इमोशनल हो जाते हैं, जुमलेबाजी करने लगते हैं। हम तो मदीना वाले हैं, मदीना जा। अरे भाई तुम मदीना जाओ ना, मेरे बाप का क्या जा रहा है, मुझे शबे बारात मनाने के। भाई मेरे को कोई हदीस बता दो, मेरे को मेरे भाई फातिया देने की हदीस बता दो। जो मैं पूछ रहा हूँ वो कोई नहीं बताएगा, अपनी जुमलेबाजी करने लगेगा बड़ी बड़ी बातें। और तभी मेरा टेम्पर थोड़ा मेरे भाई हाई हो जाता है, तभी मूड अपसेट होता है। अब बहानेबाजी देख लो। हाँ अभी बाद में बताऊंगा, उलमा से पूछ के बताऊंगा, अभी नमाज पढ़ के बताऊंगा। अरे यार तुमको नहीं पता है, कह दो भैया ठीक है नहीं पता है, अब हम तहकीक कर लेंगे, बात खत्म। लेकिन नहीं, बंदा मतलब अपनी गलती मानेगा नहीं। क्यों? अरे हम वहाबी के सामने मतलब कैसे हार जाएं? भाई हार जीत का मसला ही नहीं है, बात है हक की। भाई हम भी इंसान है, हमसे भी गलती हो जाती है, बहुत मामले में हमसे चूक हुई है। लेकिन जहाँ कोई हमको मतलब भाई बता देता है भाई फौरन अपनी इसलाह कर लेते हैं। अब उसमें ये थोड़ी ना कहेंगे नहीं मुझे कैसे बता रहा है, मैं दुनिया को बताता हूँ इसकी हिम्मत कैसी हुई कि हमको बताया। नहीं भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई अल्लामा नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ, मुफ्ती नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, तो कोई मुश्किल नहीं, मुझसे भी गलती हो सकती है। और अगर हो जाती है तो मैं अपनी बात को वापस अल्हम्दुलिल्लाह फौरन उसको ले लेता हूँ। चलिए भाई ठीक है, इंशाल्लाह फिर बाद में बात करते हैं। ओके अस्सलाम वालेकुम।